हाय हाँ जी भैया, कौन आपको? क्या हाल है? ठीक है, आप बताओ। मैं बहुत मस्त हूँ, आपके क्या हाल है? सब मस्त रहो। आप तो मौज काट रहे एकदम। मौज कर रहे हैं, क्या करना है बताइए। मौज है यार, आप भी मौज काट रही हैं यहाँ पे? बहुत आराम से, टेंशन नहीं है किसी बात की। कोई टेंशन? आप कौन? ऐसे वेले आ गए? अच्छा, हम वेले हैं और क्या। हम वेले हैं, कहाँ वेले हो आप? जानना पहचान, तू मेरा मेहमान। बात ये भी वाली सही है। हाँ, तो खातिरदारी नहीं होगी क्या हमारी? किस बात? आप कौन? ये तो बताओ। अच्छा, क्या बात है, क्या करती हो? हम जो मर्जी करते हो आप। अच्छा, मतलब बता तो दो, कोई बात नहीं है, चलो क्या करते हो? हम लोग स्कूल में 11th 12th। अरे वाह, फिर तो मौज कर दी। हाँ 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 हाँ, मौज कर दी, मौज कर दी, मौज कर दी। कौन सी क्लास में हो? 11th। और आप? 12th। वाह क्या बात है, तो स्कूल का मैं बैठू इधर? वो कौन भैया, मेरे तो बताओ। मैं कौन भी हूँ, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ आप आए हमारे पास, आप कौन हो ये बताओ। अच्छा खैर छोड़ो, वो तो हम बता देंगे। तो स्कूल चल रहा है? बढ़िया, मस्त है एकदम, घूमो फिरो, ऐश करो, लाइफ जियो आराम से, मस्त चल रही है लाइफ, मस्त है। स्कूल कहाँ है? घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, पंक पंक मारते हैं। अच्छा क्या करते हो? पंक पंक। अरे मौज कर दी बेटे, नाम क्या? नवजोत। और आपका? खुशी। पढ़ाई चल रही है? बढ़िया। अभी कौन यहाँ टीचर आएगा क्लास लेने? स्कूल से कोई मतलब नहीं है? स्कूल से मतलब क्या? पढ़ाई ट्यूशन लगा रखी है, स्कूल में जाते हैं मजे करके आ जाते हैं। तो जाते ही क्यों फिर? जाते ही क्यों? जाते इसलिए, काहे पापा का पैसा फालतू में दिलवाते हो? मार्क्स लाने होते हैं, मार्क्स हम ले आते हैं ट्यूशन पढ़ के, बाकी टाइम पास करो, मौज करो। आपने ये बताया क्यों बैठे ये बताओ। अच्छा आप दोनों कौन हो? जहाँ पढ़ते हो ना वही का मैं प्रिंसिपल हूँ। बुड्ढे हैं वो जो तुम्हारा स्कूल है ना, वो स्कूल ही हमारा है। और कुछ भी बोल दो, सच्ची वाली। मैं ट्रस्टी हो, आप चेयरमैन हो, आप स्कूल मालिक हो, बड़े स्मार्ट हो बेटा। आप ऐसे कहो कि मैं तो प्रिंसिपल का बेटा हूँ, अब बोलो। प्रिंसिपल का बेटा थोड़ी हूँ यार। बेटा बोलो तो हम मान भी देते, क्योंकि बेटा अगर बुड्ढे हैं तो आप बेटा उनके मान भी लेंगे, प्रिंसिपल तो नहीं मान सकते। प्रिंसिपल नहीं, वो स्कूल ही हमारा है ना। खैर छोड़ो, वो जो भी है, आपको देखा नहीं आता आप हमारे प्रिंसिपल बन गए। मौज कर रहे हो? मौज ही तो है भैया, मौज। पापा को बुलाएं तुम्हारे, फिर तीनों लोग बैठ के मौज करते हैं। सच्ची में कोई टेंशन नहीं? बोलो, कोई टेंशन नहीं? बुला लो। पढ़ाई क्यों करनी यार, बिजनेस सेट है, बिजनेस करेंगे पापा का, पढ़ता लिखता कोई नहीं है, बस काम कर रहे हैं डिग्री के लिए, अभी ये कर रहे हैं, ओपन से कॉलेज कर लेंगे, फिर अपना आराम से जाके अपने गले में बैठेंगे, पैसे छापेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी। और तुम्हारा? अपना इंस्टाग्राम पर चल रहा है, पेज बना रहे, रील्स बनाएंगे, लाइक सेट है, और क्या चाहिए हमें। बट आप क्यों? फिर बात वहीं पे आती, आप कौन हो भैया जी, ये नहीं बताया आपने। हमारा पूरा बैठा जान लिया, हम कौन है, कैसे है, कहाँ पे है, क्या करना है, अपना तो बताओ। हम आराम से बैठे चिल मार रहे हैं, हम स्कूल की चाय बातें कर रहे हैं। पर अच्छा हमसे भी चलो स्कूल की बातें करो ना, हम भी तुम्हारे आप दोस्त क्या हैं। करते हो आप बताओ अपने बारे में, आप क्या करते हो, कहाँ से आयो, क्या करने आयो? अच्छा मैं बताऊँ, प्रिंसिपल तो हो नहीं ना हमारे स्कूल से, आपको रिलेशन है, आप बताओ आप आए क्यों और कौन हो आप? मतलब इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, पहले थोड़ा तुम इंट्रोडक्शन दो, फिर इंग्लिश की हिंदी? मैं इधर का इंचार्ज हूँ। अच्छा, इधर जो ये पार्क है ना, इसका मैं इंचार्ज हूँ। अच्छा, और ये सारा मेरे अंडर में आता है, समझे खुशी। और कुछ दो इंट्रोडक्शन। ओके, हाँ मैं इधर का इंचार्ज हूँ, और तुम जो बैठ के इधर गप सड़ा के मार रही हो, स्कूल से बंक करके आई हो, देन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। पापा की बात को ला रहे होंगे, पता कौन पापा की बात क्यों ला रहे हो? अपना घूमो, बात करने हम आराम से बैठे हैं, आप अपनी लाइफ जियो, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। पापा अपने काम में लगे हुए, हम अपने काम में लगे हुए। नहीं देखो अब तो हम पापा के पास तुम्हारे लिए चलेंगे यार, देखो छोड़ेंगे तो नहीं यार, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई बैंक करके इधर आके मजाक करते हो, तो पैसा बर्बाद करते हो, पता नहीं चलेगा आपको पापा। हम क्यों नहीं बताएंगे पापा को यार, क्यों नहीं बताएंगे मुझे बताओ ना, हम क्यों आपको छोड़ देंगे? गलत काम थोड़ा कर, हम बस पार्क में आए बैठ रहे हैं बस, और कुछ तो कर नहीं। सरदार जी गलत कर रहे हो आप पढ़ाई के नाम पे। नहीं नहीं देखो ये गलत कर रहे हो खुशी, ये रील्स इधर नहीं बनेगी, ये जो कॉन्फिडेंस था ना। और एक बात और सुनो, मेरी बात तो सुन लो, और ये चीज़ है ना, और अभी मैं तुम लोगों को ले चलूंगा और बैठाऊंगा बकायदे थाने में, वहां पे बैठा के रखूंगा, तुम्हारे पापा को फोन करूंगा कि ये लोग पढ़ने वाले लोग हैं, और इधर आकर पापा को मतलब यार पापा तक बात ज्यादा गड़बड़ा जाएगी,
आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ बचेगा नहीं। ये पापा तक बात ना पूछो, थोड़ी घर में काम खराब हो जाएगा, स्कूल जाना भी मुश्किल कर देंगे, वो खुद ही छोड़ के आएंगे, खुद ही भी लेके आएंगे और लगेंगे माता को नजर पूरी। पापा तक बात ना पूछो। तो फिर कैसे तुम्हें कैसे छोड़ू बताओ, ये तो गलत बात है ना, एक्सेप्ट कर रहे हो ना, गलत बात है कि नहीं है? फोन उन लिए हो, फोन लियो, देखो जरा फोन तुम्हारा, सोचो। वाह मौज कर दी लड़के ने, मतलब है वाह, टोल पे लेके घूम रहे हो, पैसे कहाँ से आए जरा बताना मेरे को? ये पैसे तो मैं अपना खुद नहीं, कहाँ से लाए ये पैसे? हमारे पास 25,000 का फोन है, सोचो तुम्हारे, हमें घर वाले लेके दिए, घर वालों ने दिया है, तुमने तो नहीं दिया सरदार जी। सही बता ना तुम, घर वाले देंगे? देखो सच, एक से खुद 25,000 का फोन है, मैं कहां से दूंगा? सच बताओ, अभी 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 एक्सेप्ट कर लो, आप खुद बताओ, अभी 25,000 का फोन है, मैं कहां से 50,000 का 1,00,000 का फोन दूंगा? अभी सच एक्सेप्ट करो, नहीं तो देखो फिर तुम्हें ले चलेंगे इनको। जो सच है वो सच है, मेरे फोन नहीं दिया, मेरे को खुद 25,000 का फोन है। तो ले चलें हम सरदार जी आप दोनों को। आप इतना वो मत हो क्या है? मैं क्या मतलब, मैं दोस्त हूं तुम्हारा, बात पूछा रही हूं, आप छोड़ दो ना यार, पहले बैठो इधर, बैठो खड़े मत हो, बैठो यार, पापा तक क्यों पूछा? पहले बैठो इधर, बैठ के बात करेंगे। बंक मारी होगी आपने यार, आप तो ज्यादा इतना सीरियस लेगा यार, आप तो पापा तक बात पूछा रहे हो। अभी ले चल रहे हम तुम दोनों को, नहीं भैया ऐसा ना करो, आप क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसे करते हो ये कुछ या फिर नहीं, आपके भी तो कुछ फीलिंग होगी, चलो। अच्छा एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तुमसे गलती हुई, गलती देखो ये आगे से आराम से बैठ जाओ, चिल मार के बैठो, काहे इतना हमको खामखा गुस्सा मत, आराम से आप बताओ। पापा तक बात थोड़ी दिक्कत दे देगा, आप यहीं तक सुलझा दो, मतलब हम आगे से ध्यान रखेंगे, हमने गलती करी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हो ना, एडवांस तो नहीं बन रहे ज्यादा, नहीं बनोगे ना, एक्सेप्ट करो अपनी गलती, तुम भी एक्सेप्ट करो। इंस्टाग्राम रील वाली गल्ले वाली बात ये दोनों तुम्हारे जब पापा को बताएंगे तो बढ़िया सुनहरे अच्छे से तुम्हारी स्वागत। बात ना पता ना भाई, मैं कह रहा हूं हम तो ऐसे वो अच्छा अब हमें बोल दिया, हवा में कुछ भी नहीं है, तो आप तब भी हमें समझो। उधर कैमरा लगा हुआ है और ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। इधर आ सुनो है सरदार जी, उधर देख के बोलो कि मैं दोबारा कभी बंक नहीं मारूंगा, कभी दोबारा बंक नहीं मारूंगा, और इस पार्क में नहीं आऊंगा, इस पार्क में आऊंगा नहीं, इस पार्क में जाऊंगा अगर कभी आए सरदार जी, समझ लेना, फिर पार्क में नहीं आना, कुछ पक्का ना, अब पढ़ाई करोगी ना, रील्स का चक्कर में मत पड़ो, जाओ अच्छा निकलो इधर से, जाओ जाओ जाओ, दोनों लोग निकलो। बेटा बहुत तेज बन रहे हो तुम। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जाना, कभी हमारे भी ये दिन थे यार हाई स्कूल वाले, हम भी ऐसे घूमा करते थे, बच्चे हैं यार इंजॉय लेने, तो बाकी जय हिंद जय भारत, मेरा मन हुआ थोड़ा इनसे बात करते हैं, आई लव यू गाइस। गाइस तुम्हारा गोल्डन भैया मॉर्निंग में 5 बजे समथिंग एग्जैक्ट टाइम बता दे रहा हूँ, घड़ी से देखना पड़ रहा है यार, साढ़े चार हो रहा है और मैं खड़ा हूँ इंडिया गेट पे, लाइक ये देख सकते हैं भैया हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और कुछ खाते भी हैं, और मैं थोड़ा आपको, और ये रही अपनी वाली गाड़ी, गाड़ी खड़ी हुई है, और देखो कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं किसी को साथ में लेके घूम रहा हूँ, अच्छा लॉक हो गई है गाड़ी लग रहा। सो देखो आइसक्रीम तो खाऊंगा नहीं, ठंडी का बहुत लाइक बहुत ठंडी लग रही है अपन को, लेकिन मजा आ रहा है देखो।